An Academy. Let's crack it. एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी चीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे नीट की तैयारी से लेके नीट के बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, हम सब कुछ बात करने वाले हैं इस अमेजिंग एपिसोड में, जहां आपके फेवरेट फेवरेट दीदी भैया सब आए हैं आपको ये बताने के लिए। तो लेट्स वेलकम, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर आदित्य, पीडियाट्रिशियन ऑन्कोलॉजी रेजिडेंट डॉक्टर फ्रॉम एम्स दिल्ली। And we have the second one, Vidgu, तो आप बड़े यार इतने सही सही चीजें बनाती है दी, है ना? तो she is Dr. Rashmi, intern in AIIMS Delhi. And then कौन नहीं जानता, इशिता खुराना, third year BMMC सफदरजंग। तो ये हमारे तीन ऐसे गेस्ट जो आज आपको सारा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि हाउस लाइफ बिफोर नीट, आफ्टर नीट, लाइफ इन एम्स, लाइफ एट बीएमएमसी, सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस शो। आपके जो जो भी क्वेरीज है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। लेट्स मेक दिस शो अ सुपर हिट शो। तो मैं वेट करूंगी क्या क्या कॉमेंट्स आने वाले हैं आपके फेवरेट फेवरेट सारे डॉक्टर्स के लिए, राइट गाइज? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इशिता से, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी कनेक्टेड इशिता है आपसे, राइट? क्योंकि अभी प्रिपरेशन करके शी इज यू नो इनटू एमबीबीएस। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम इशिता से पूछते हैं, इशिता कितनी बार डीमोटिवेशन आता लाइफ में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आई थिंक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तो इज जस्ट अ फेज, डीमोटिवेशन तो हमेशा आता है। आज मुझे भी आता है इस फेज में, इनको भी आता होगा, इनको भी आता होगा, तो हर फेज में लाइफ में आता ही रहता है। बट इट इज टेम्प्ररी, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, तो डीमोटिवेशन इज ऑल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कोई अगर एक टॉपर है या कोई सक्सेसफुल है तो वो कभी डीमोटिवेट नहीं होता। ग्रेट। तो आपकी नीट की जर्नी में या आप सबके नीट की जर्नी में एक ऐसा फेज तो आता है ना कि मेरे दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स थोड़े से कम हो गए, ऐसा फेज आई थिंक सबकी लाइफ में आता है। तो आई थिंक हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है कि अरे उसके 600 आ रहे हैं, मेरे 550 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को डील करते हैं कि हाँ मैं क्या करूं कि ठीक है, आई यू नो आपको फाइट भी करना है, आपको मार्क्स भी इम्प्रूव करने हैं, आपको अपने आपको मोटिवेटेड भी रखना है। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम जो बच्चा सबसे ज्यादा इसी बारे में सोचता है कि मैं टेस्ट दूं, टेस्ट में अच्छा भी करूं, बट मेरे दोस्त के ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो उस टाइम पे आपका क्या कॉल रहता है? आई थिंक वो एकदम बेसिक से अगर आप स्टार्ट करो तो आपको सबसे पहले सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट और अपने आप से कॉम्पिटिशन करने का सोचना है। अगर आप ये सोचोगे कि हमारे दोस्त कितने आ रहे हैं तो आप यू आर जस्ट कम्पीटिंग विद देम टू पीपल। आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये कंपटीशन देना है, तो वहाँ पे आप अभी तो फिर आप और लिमिट कर रहे हो अपनी सोच को, आप सिर्फ एक के बारे में सोच रहे हो, आपके दोस्त जैसे तो बहुत है। तो अगर आप इतना सोचोगे तो फिर आप अपने ऊपर कब फोकस करोगे? तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर फोकस रखो, एंड अगर आप जीतोगे तो भी खुद से और हारोगे तो भी खुद से। सुपर सुपर। अब यही आई थिंक क्वेश्चन मैं रश्मि से भी पूछना चाहूंगी। रश्मि, जब आप एम्स दिल्ली क्लियर किया, आप आगे बढ़े, ठीक है, तो एम्स मिलते ही सब बहुत खुश होते हैं, बट उसके पीछे का हार्डवर्क, जैसे कि आज मैं अगर देखूँ तो यूट्यूब जब हम स्क्रॉल करते हैं तो एवरीबडी इज हेल्पिंग आउट कि आप कर सकते हो नीट एग्जाम क्लियर। आपके टाइम पे तो वो भी सपोर्ट नहीं था, फोन भी नहीं था हाँ, कोई सपोर्ट नहीं था। आप कैसे अपने आप को हैंडल करते थे कि लाइक ठीक है मैं जा सकती हूँ, यू नो फ्रॉम अ स्टूडेंट फ्रॉम बिहार एंड गोइंग टू एम्स दिल्ली? दिल्ली के नाम से थोड़ा लोग को ऐसा लगता है अच्छा दिल्ली जाना है, मेरा एम है वो। तो क्या, हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। मैं जब आकाश ज्वाइन करा था मैंने, तो मैं एकदम फ्रंट बेंच पे बैठती थी, ठीक है, और मेरी एक दोस्त वहीं पे बनी थी, एंड हम दोनों एकदम फ्रंट बेंच पे बैठते थे। हम दोनों को टीचर्स बहुत मानते थे कि भाई ये तो बहुत पढ़ते हैं, मतलब ऐसा। बट ऐसा हुआ ग्रेजुअली कि उस वो क्लास में टॉपर बनने लग गई, ठीक है, उसकी रैंक मतलब अंडर 10 आने लगी और मेरी रैंक कुछ पता नहीं कहाँ पे। तो मेरा एक ये था कि या तो मैं उसको छोड़ दूँ, ठीक है, उस दोस्त को, क्योंकि मैं अंदर से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ या उससे मोटिवेशन ले लूँ, क्या करूँ। बट मैं अपना वो फ्रंट सीट भी नहीं छोड़ सकती, ठीक है। फिर मैंने बस यही किया कि ठीक है पॉजिटिव सोचना है, वो लड़की को आता है तो चलो उसी के साथ रहते हैं। आज हो सकता है मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आज जो मैं जितना अंदर से लग रहा है स्ट्रेस कि भाई किसी टॉपर के साथ एक साल पढ़ रही हूँ, हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगी, बट ठीक है ये चीज ना मुझे आगे चल के हेल्प करेगा, एंड इट डिड।
लाइक दैट वॉज सच अ स्ट्रेसफुल फेज व्हेन आई वॉज फर्स्ट टाइम आई ड्रॉप कि मतलब लगा था भाई खत्म डिप्रेशन ठीक है बट ठीक है वो फेज बहुत ज्यादा मदद किया. तो वो जो चीज वो थी एक साल तक की नहीं यार वो लड़की जब इतना अच्छा कर सकती है वो मेरी दोस्त थी तो मेरे को तो करना ही है. तो फिर उसके बाद जब मैंने भागलपुर में रह के जब तैयारी की थी तो वो मुझे हर चीज याद रहती थी कि वो कैसे पढ़ती थी ठीक है कैसे वो टॉपर होती थी कैसे सर उसको इतना अप्रिशिएट करते थे. लाइक उस दिन उस एक दिन ऐसा हुआ कि सर ने बोला कि चल ईयर का जो पूरा पाथवे होता है ना तू खड़ी होके बोल और उसने पूरा सुना दिया और मैंने उसका ना रिकॉर्ड कर लिया. मेरे पास वो छोटा नोकिया का फोन होता था जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड करती थी मैं ऑडियो. फिर मैंने उसको भी भेजा और वो मैं अपने पास ऐसे रखी हुई थी कि भाई ये लड़की इतना अच्छा पढ़ती है ठीक है. एंड दैट मोटिवेटेड मी थ्रू आउट द जर्नी की जब ये कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ. एंड स्टिल शी इज कनेक्टेड टू मी. एंड मतलब वही है कि एक बार इस टाइप से हो जाए तो रश्मि आपकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो आपने एक फर्स्ट चीज बोली कि या तो मैं इससे मोटिवेट हो जाऊं या मैं डीमोटिवेट हो जाऊं हट जाऊं मैं. बट लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी में ये पता लगा यू टुक इट एज अ मोटिवेशन. सो ये आपकी ऑप्टिमिज्म था. हां एग्जैक्टली आपका ऑप्टिमिज्म था ये आपकी सोच थी जिसने आपको आगे पहुंचाया. तो यहाँ पे अपने सोच को भी देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ अ मेंटल सेटअप वी हैव. अगर हम कंपटीशन को हेल्दी लेंगे जैसे रश्मि ने लिया तो लुक एट एम्स दिल्ली में है. बट अगर वहीं पे वो डीमोरलाइज हो जाती कि नहीं मेरी ही दोस्त सब कुछ कर रही है मेरे से नहीं हो पा रहा तो शायद ऐसा नहीं होता. कनेक्टेड टू मी एक और लड़की थी हम तीनों साथ बैठे थे उसके नंबर ज्यादा आने लगे वो लड़की छोड़ के पीछे बैठने लग गई. आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ मतलब हो गया होगा सिलेक्शन जो भी बट अभी मतलब नाम नहीं ले सकती बट ठीक है वी आर स्टिल फ्रेंड्स. फाइटिंग स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. तो अब डॉक्टर आदित्य के पास चलते हैं. आपके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हर एक लेवल पे चाहे हमारे में हमारे लिए भी भगवान डॉक्टर सारे भगवान हो गए यार. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यू हैव द मैक्सिमम एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक एग्जाम है नीट यूजी का जहाँ पे 15 लाख बच्चे हैं उसमें से सेलेक्ट हुए बच्चे पीजी में जा रहे हैं फाइट करने. सो यू आर बेसिकली फाइटिंग द मोस्ट क्रीम लेयर ऑफ दैट ईयर ठीक है. कैसे हाउ यू मैनेज आप कैसे मतलब कि जितना मैंने आपकी जर्नी के बारे में सुना है आपने कभी ब्रेक भी नहीं लिया कि मैंने 1 ईयर ड्रॉप ऐसा कुछ आप कॉन्टिन्यूस चला है. एंड आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर सो मेनी पीजी एस्पिरेंट्स नीट एस्पिरेंट्स सबके लिए एक ड्रीम जर्नी है जो आपकी रही है. ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी इन अ सेंस कि जब मैंने अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसमें AIIMT होता था ऑब्वियसली. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी समवन हु विल क्रैक एम्स. सिंपल खुद को बोलता था बस MAMSI हो जाए या UC हो जाए बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जाए बस इतना रखेंगे. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक यू नो आई वर्क हार्ड एंड got the efforts got rewarded. Uske baad it was actually more about after that I always believe that there was a mindset change in me. Uske baad mereko laga agar ye exam ek baar maine nikal liya hai to dusri baar kyun nahi niklega. Aur jab do baar nikal gaya to teesri baar to mereko 100% apne upar confidence tha ki is baar bhi nikal jayega. So PG for me and as far as SS for me exam was concerned I won't deny the effort was maybe as similar as UG. Utna hi mehnat karni padi utne hi ghante dene pade उतने ही यू नो जी जान लगानी पड़ी या जो भी कहना कहते हैं वो कहते हैं. बट डर कंपैरेटिवली कम था पीजी के टाइम पे. देयर वर टू रीजंस मेजर रीजंस फॉर दैट. एक तो पहले बता था डॉक्टर तो हूँ यार अब कुछ भी हो जाए मतलब नोबडी कैन टेक दैट टाइटल अवे फ्रॉम मी. आई एम अ डॉक्टर. एंड सेकंड थिंग वाज अगर एक बार मैंने पहले किया हुआ है तो आई कांट आई डू इट अगेन. सो दैट ऑलवेज यूज टू बी लाइक यू नो कि अगर पहले किया हुआ है तो अभी फिर से हो जाएगा. तो कभी भी देर ऑब्वियसली देर लाइक दिस है ना कि देर विल बी डेज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ टॉपर ड्रॉपर और वट एवर वांट यू. लाइक मेरे को ये टैग्स लगते हैं मेरे हिसाब से छोड़ दो हम सब लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं दैट्स अबाउट इट. एंड इन दैट जर्नी जो प्रिपरेशन फेज होता है कुछ अच्छे दिन आएंगे कुछ बुरे दिन आएंगे कुछ बहुत ही खराब दिन आएंगे एंड कुछ बहुत ही अच्छे दिन आएंगे. सबके साथ होगा. जब बुरे दिन आएंगे तो फिर इसका मतलब यू नो दिस टू शैल पास वाली चीज़ हो जाती है.
एक बार देखा था तो दूसरी बार इट फेल्ट लाइक थोड़ा देजा हुआ ही लग रहा था, पिछली बार भी क्या इस बार भी कर लेंगे, थर्ड टाइम तो इट फेल्ट लाइक कि अब तो लाइक यू नो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद अब तो ठीक है, अब तो एक्सपीरियंस हो चुका है, कर ही लेंगे अब तो, दो बार कर चुके अब तीसरी बार भी निकाल लेंगे, ठीक है अब तो तीसरी बार भी निकालेंगे. Having said that, obviously during every time there will be phases जब आपको लगेगा कि यार मेरे को कुछ भी नहीं आता, there will be phases जब बहुत imposter syndrome वाली feeling आएगी, आप फिर लाइक यू नो ड्यूरिंग DM एग्जाम also यार इतना टफ होता है, I'm trying to become a pediatric oncologist, मेरे को आता भी है या नहीं, कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा would I be able to solve it or not, and then अगले दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद को कह रहे थे यार एक दो बार निकालोगे तीसरी बार भी निकल जाएगा. So for everyone who's preparing for NEET PG also, I'll say this, that you guys have already cracked this exam once. You know how to, UG in my opinion is the toughest exam. Because that's literally the first time you're getting exposed to a national level competition. National. And the amount of competition was also high. There are more than 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh people who are appearing. And age also choti. You don't have the, you don't have the maturity. Exactly. You don't have the maturity. You don't have the discipline. You don't have the, kai baar logon mein zeal bhi nahi ho rahi hoti. And it's very easy to get distracted. PG ke time pe, it's not like distractions kam ho jati. In fact, maybe shayad badi jati hai. But maturity comes. And more importantly, More importantly, you get to realize, क्योंकि तुमने already किया हुआ है तो learn from those experiences, जो तुमने UG में mistakes की थी उनको अगर अपने पीछे में नहीं करोगे तो पीछे in fact smooth तो नहीं होगी but it will be a better journey in my opinion. Great, great, great. तो इस एक conversation से मुझे इतना पता लगा है कि optimism and the fighting spirit can you know give you wonders. तो यहाँ लड़ते रहने का साहस और अच्छी सोच बहुत जरूरी है. तो अच्छा, वी हैव सम क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स आल्सो, जो हमारे बच्चों ने हमें पूछा कि भाई इशिता दीदी है तो हमें यही पूछ रहे हैं उसे. तो इशिता, यू आर वेरी फेमस इन यू नो द स्किल्स ऑफ मेकिंग नोट्स. तो जब हम भी आपकी वीडियोस देखते हैं तो उसमें हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि यू हैव मास्टरी ऑन मेकिंग नोट्स. तो कैसे, मतलब कि कैसे ऐसे नोट्स कैसे आप बनाते थे, कि आप क्या सोच के बनाते थे कि लास्ट के 15 डेज में मुझे ये जरूरी रिवाइज करना है, कैसे यू यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स? सो बेसिकली इट ऑल स्टार्ट्स जब मैंने खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस करके देखी, बिकॉज आई हैव बीन अ ड्रॉपर. तो आई हैव एक्चुअली रियलाइज एंड फेस्ड कि मतलब मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि लास्ट के एक महीने में जो मेरा पहला अटैम्प्ट रहा था वहाँ पे लास्ट के एक महीने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी ये सोचने में कि इतना सारा पढ़ तो लिया पर अब एक महीने में मैं सारा कैसे करूँ. और आई थिंक वो क्वेश्चन जो वहाँ से शुरू हुआ था ना, वो फिर मुझे अगले साल मिला जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, और पूरे साल मैंने उसी चीज़ पर मेहनत की कि इस बार मुझे कुछ ऐसा करना है कि लास्ट के एक महीने में क्या, लास्ट के एक हफ्ते में मैं पूरा सिलेबस कर पाऊँ. तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी द एंटायर ईयर. और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी, मैंने सर के भी वीडियोस देखे हैं, जो सर सर के कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिसमें सर ये बात मतलब फ्रॉम नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लास्ट के 10-15 दिन में कैसे सब कुछ कंपाइल करके रिवाइज करते हैं. You're not preparing for the exam, you're preparing to be able to revise in the last 10 days before the exam. ये चीज़ मेरे अपने लाइक यू नो कि obviously आपने सब लोगों ने बहुत मेहनत की होती है, everyone works hard. एंड में गेम रिविजन का हो जाता है, पीजी में मोर बिकॉज सिलेबस कंपैरेटिवली ज्यादा वास्ट होता है. यूजी में ऑब्वियसली फिजिक्स के फॉर्मुला केमिस्ट्री के फॉर्मुला याद आ जाएंगे अगर आप वहाँ पे थोड़ी मेहनत करोगे, बट ऑब्वियसली बायोलॉजी भी कहने के लिए वो दो छोटी बुक्स हैं, याद रहती नहीं है, है ना, कहने एक लाइन से क्वेश्चन बन होता है. एग्जैक्टली. So even for PG, even for UG, the game is all about that how you are able to actually revise. You should be able to optimize your revision. And us revision mein, if she has, she understood the game ki notes banane hai. So it was like ki maine ye bahut sare students ko mistake karte hue dekha hai ki log pata nahi kitni notebooks bana lete hain. Ek topic ek mein likha hai, ek mein likha hai. To mujhe aisa laga tha ki ek na psychology jo main abhi bhi karti hu, apne jab mere exams hai abhi jaise, to abhi bhi main ye cheez apnati hu ki ye ek psychological game bhi hai. Agar aapko lagega ki mere paas bas ek choti si book hai jo mujhe पढ़नी है और उसमें सब लिखा है, तो आपको ना मेंटल जो एक प्रेशर होता है कि मुझे इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी मोटी बुक पढ़नी है, वो पहले हाफ आपका 50% काम हो चुका है. तो आपके पास जितने कंपाइल नोट्स होंगे, जितना कम चीजें होंगी, उतना परफेक्टली आप उसको कर पाओगे. तो मैंने स्टार्टिंग से यही रखा था, एंड उसके लिए मैंने कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, मैंने डिटेल में भी काफी बात की, इतना आई थिंक टाइम नहीं होगा अभी, बट स्टार्टिंग से मैं यही कहूंगी कि आपको आपके नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने चाहिए, जो है आप एक ही नोटबुक में बनाओ या कुछ पेपर पेजेस पे बना के उसको कंपाइल करो, बट ऐसा मत करना कि एक टॉपिक यहाँ लिखा है, एक वहाँ लिखा है, वो आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस एंड दैट कैन बी बिग ब्लंडर फॉर यू, क्योंकि आप अपना काम कम करने की जगह आप बढ़ा रहे हो.
एंड में आप टटोलते रह जाओगे कि ये चीज कहां पर है, वो चीज कहां पे, और फिर आपके पास एंड में अगर इतनी नोटबुक्स हैं आपको लगेगा ये सारे नोट्स मुझे रिवाइज करने हैं लास्ट 15 डेज, दैट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल, यस, और एक कंपेयर टू वन नोट, चाहे उसमें ज्यादा लिखा हो लेकिन वो एक मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है कि यार इतना ही है, कर लूंगी, इतना ही हो जाएगा, दिस इज समथिंग पॉसिबल फॉर मी इन द लास्ट 15 डेज. ये तो बहुत अमेजिंग टिप आपने शेयर की है स्टूडेंट्स के साथ. रश्मि, एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है. बिहार राजस्थान के जब मैं बच्चे देखती हूँ तो वहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत होते हैं, दैट्स अ बिग थिंग. और जब मैं यूट्यूब क्लासेस भी देखती हूँ या कोचिंग क्लासेस भी देखती हूँ तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम पे फोकस्ड रहते हैं. तो आई थिंक आपके भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स फ्रेंड्स रहे होंगे जिन्होंने ट्रांजिशन प्रॉब्लम फेस किया होगा. मतलब बेसिकली देखा जाए तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से थी, कॉन्वेंट स्कूल था, तो वहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट था कि बिल्कुल एकदम आइसोलेट कर दिया गया था गांव से कि तुम तो अलग ही हो, ठीक है. तो वो हमें शुरू से वैसा, मतलब हमारा वो जो होता है ना एक्सेंट भी चेंज नहीं हुआ बिहारी वाला, ठीक है. तो बट जब मैं यहाँ आई तो मैंने बात ही अपने बैचमेट्स का देखा कि यार इनका वो हो जाता है तो ट्रांजिशन में दे फेस प्रॉब्लम. तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, एंड ये जैसे कि ट्रांजिशन होते भी एम्स दिल्ली में है ना, दे हैड दिस बिग बैरियर इन देयर लाइफ कि सार सब कुछ मटेरियल मुझे इंग्लिश में मिल रहा है बट आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, स्टिल दे यू नो फाइट उन्होंने किया एंड दे आर स्टिल इन एम्स दिल्ली. तो क्या, हाउ डिड दे मैनेज दिस? फर्स्ट तो ये कि तैयारी के समय ना किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या एक्सेंट है, मुझे हिंदी आती है इंग्लिश आती है, उस समय तो बस ये मुझे आता है कि नहीं स्टफ, ठीक है, ठीक है. तो उस समय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी स्टूडेंट को. लेकिन वही जब कॉलेज में आते हैं तो फिर ये सोशल गैदरिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, अब तुम अगर उस तरह से बात कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप में फिर लगता है यार मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है. मुझे नहीं ऐसा कभी फील हुआ, लाइक मुझे तो ऐसा बोलते थे कि तू बिहार से सही में, मतलब बिलीव नहीं कर रहे, बट इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, ठीक है. इवन आई वॉन्ट टू लर्न बिहारी नाउ, ठीक है, कि हाँ ठीक है मुझे भोजपुरी आना चाहिए, बट आई सॉ फ्यू पीपल हु वाज लाइक ठीक है थोड़ा आइसोलेट हो गए खुद से कि कम लोगों से बात करें. अब जैसे दिल्ली के लोग हैं, आदित्य दिल्ली से है, तो ये काफी मतलब इनका जो बात करने का कॉन्फिडेंस होगा ये अलग लेवल का होगा, ठीक है. लेकिन जो जिनकी थोड़ी एक्सेंट में दिक्कत है उनको थोड़ा लगेगा यार ठीक है थोड़ा साइड हो जाते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट जाती है, टैलेंट में कमी नहीं है बट थोड़ा सा हिचक सी आ जाती है. मेरे बैच में चार या पांच लोग थे जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से एम्स में सिलेक्शन हुआ था. एंड one good thing that AIIMS did at that point of time was that AIIMS actually had English classes for them in the evening. That's super. ये हमारे कॉलेज में भी हुआ था. देयर इज दिस फाउंडेशन कोर्स जो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तो उसमें जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो क्लास एक महीना सिर्फ बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई थी, तो उसमें इंग्लिश क्लासेस होती थी एवरी डे. और जो स्टूडेंट्स बाहर से हैं, साउथ से हैं या फिर उनको हिंदी सिखाना, हाँ उनको हिंदी की क्लासेस होती थी. तो ये आई थिंक बहुत अच्छी एक चीज़ है जो अभी एडअप हो रही है एंड इट्स वेरी गुड. एंड आई हैव सीन लाइक यू नो कि ऑब्वियसली इनिशियली जब आते हो तो आप थोड़ा सा मतलब you will feel underconfident because when everyone else in the batch of 70 हमारे टाइम पे 72 का बैच होता था, आप चार या पांच लोग हो जो आपको लगेगा कि आप हिंदी मीडियम से आए हो एंड वो अभी भी एक बेमतलब का बैरियर बनाया हुआ है लोगों ने कि हिंदी मीडियम से है इंग्लिश मीडियम फॉर नो रीजन. एक्चुअली उसने मेहनत की वो पहुंचा यहाँ पे, बट हैविंग सेड दैट एक एम्स ने हेल्प की एंड आई वुड से दैट they took the efforts यार, मतलब उन्होंने खुद इतनी मेहनत की है. hats off to all of those my batchmates Pankaj and other one mein kabhi dimag mein like you know like I remember going to their rooms and they had a english dictionary, hindi to english dictionary, english to hindi dictionary, they anatomy pad rahe hain, फिर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी देख रहे हैं एंड देन पुटिंग इन द एफर्ट्स एंड देन स्टिल स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स ऑन हमारे इंटरनल एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. एंड आज मैं लाइक आई फील लाइक मेरे को अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली दैट्स व्हेन यू फील थोड़ा सा प्रिविलेज कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इतनी आसान थी. आई डो नॉट हैव टू गो थ्रू दिस बैरियर कि अगर मैंने अनाटमी की अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ी तो मेरे को ये सोचने में लगा कि इसको मैं समझने में क्या करूँगा. फॉर देम दैट इज इवन बिगर थिंग, पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, फिर हिंदी में उसको असिमिलेट करना है समझने के लिए. एंड बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट ऑब्वियसली ग्रेजुअली डिक्रीज टू बिकम जीरो राइट नाउ. बट हाँ इनिशियली टफ होता है, बट एम्स ने ऑब्वियसली हेल्प की एंड मेरे को ये लगा कि हम लोग इन जनरल सपोर्टिव ही थे इन जनरल मेरे हिसाब से, कोई ऐसा वो नहीं था. बट हाँ मुश्किल थोड़ा सा होता है वही है. बट मेरे भी बैच में क्या हुआ था फर्स्ट ईयर में कि एनाटॉमी में सब फेल कर रहे थे, मतलब 50% से ज्यादा 50% फेल हो रहे हैं, समझ बहुत कॉमन है. तो हमें ऐसे लैब में माइक्रो लैब में हां डरना नहीं है किसी का भी, न्यूज़ ही निकला होगा अभी हम लोग 10 थे हमारे पास.
एंड आपका इट वॉज 1127. ओके, तो आप सोचिए इतने बड़े बड़े टॉपर्स हमारे सामने बैठे हैं, आई एम स्टिल फेल हो रहे, तो इसलिए घबराने का नहीं है. नहीं, ये बता रही हूँ क्या हुआ था. तो उस समय मतलब बहुत ऐसा हो गया था कि तीन इंटरनल हो गए, तीनों में एनाटॉमी में कोई मतलब ढंग से पास नहीं हो पा रहा है. तो फिर सर बोले तुम बताओ क्या दिक्कत है, सबको बैठा के नहीं बताओ. तो एक बंदे में इतनी हिम्मत थी कि वो खड़े होके बोले मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती है. अभिषेक वर्मा उसका नाम है, अभी यूपीएससी तैयारी कर रहा है, ठीक है. मतलब मुझे अभी भी याद है भाई, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि लोग उसको जज नहीं करेंगे. और उसके बाद हमारी ना इवनिंग में ऐसे क्लासेस होनी शुरू हुई, जिनको भी एनाटॉमी में जिनको दिक्कत हो रही थी कि तुम आ सकते हो, जिसको भी आना है हम तुम्हें जिस भाषा में तुम्हें चाहिए हम तुम्हें समझाएंगे. तो यार फर्स्ट ईयर में तो मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कि हम जो है मतलब एट होम फील करें. प्लस क्रेस्ट, पता नहीं आपके टाइम हमारे टाइम पे भी था क्रेस्ट. हमारे टाइम पे भी क्रेस्ट, वो 7 दिन का इवेंट होता है जिसमें मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, प्लस वही इंटरेक्शन के लिए बेसिकली. लाइक दैट इज द बेस्ट थिंग एम्स इज हैविंग राइट नाउ. स्टिल वी रिमेंबर बाला सर, जॉय सर. ओके, तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस का रोल क्या है नीट की प्रिपरेशन में ड्यूरिंग द जर्नी. प्रैक्टिस का, सो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस नहीं की तो इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज आपने प्रिपरेशन नहीं की. लाइक यू नो कि लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग द बायोलॉजी एनसीईआरटी 100 टाइम्स एंड नॉट प्रैक्टिसिंग अ सिंगल एमसीक्यू. एंड इट्स पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइटेड, बल्कि ये सिर्फ बायो पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस में कोई ध्यान नहीं दे रहा. आई रिमेंबर दिस थिंग, मेरे को किसी ने सो मेरे इनिशियली 11th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, एंड देन माय फादर मेड मी मीट अ आरपीएमटी टॉपर पुराने जमाने का. एंड ही टोल्ड मी द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी ही आस्क्ड मी कि कितने क्वेश्चन करता है तू. एंड आई सेड दिन के 10 या 20 या 30 एमसीक्यू लगा लेता हूँ. एंड ही लाफ्ड एट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, ही लिटरली लाफ्ड एट मी. तो मैं थोड़ा सा मैं भी हल्का सा हुआ क्या हुआ एंड एवरीथिंग. एंड ही इज लाइक कि देखो दिन के एटलीस्ट 200-300 एमसीक्यूज मिनिमम करने चाहिए. एंड ही इज लाइक कि क्या करेगा. एंड लाइक कि देख लूंगा जो भी मॉड्यूल है उसके एक दो पीछे. कहते नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर, उनको बार बार सॉल्व कर एंड सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल. तब तक मैं एमसीक्यू इतना सॉल्व नहीं करता था. मैं खुद लगता था कि मेरी मेमोरी अच्छी है तो बायो हो जानी चाहिए. तो मेरे लेकिन मेरे को खुद लगता था कि फिर बायो में 400 उस समय 800 का होता था, तो 400 में मेरे लेकिन 280 या 300 पे क्यों रुक जा रहे हैं, 75% पे क्यों रुक जा रहे हैं. मेमोरी अच्छी है वो तो. एंड देन ही सेड बेसिकली टू मी कि जब तक तू एमसीक्यू बायो में भी प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तेरे बायो का स्कोर भी इंप्रूव नहीं होगा चाहे तेरी कितनी भी अच्छी मेमोरी क्यों ना हो. बिकॉज एंड में एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी एमसीक्यू सॉल्व करके ही आती है. एग्जैक्टली, एंड दिस इज वैलिड नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एमएसटी एज वेल. वो फिर भी लोगों को समझ में आ रहा था बिकॉज न्यूमेरिकल है, करना है, सॉल्व करना है. बट ये बायोलॉजी का कंसेप्ट ओवर एवरीवन पढ़ लिया है, ये बहुत हो जाएगा. नहीं, बट तुम्हें बायो के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. जब तक उनके क्वेश्चंस को वो एक लाइन का क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे तुम्हें तब तक नहीं पता चलेगा. तब तक तुमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया. दिस इज वैलिड नॉट जस्ट फॉर यूजी, दिस वैलिड फॉर पीजी एंड डीएम एज वेल. मैं देखो मैंने अपने लाइफ में दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं एक्चुअली में मेरे लिए पीजी कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग कि पीजी आसान था, बहुत टफ था, बट कंपैरेटिवली पीजी और डीएम इजियर एज कम्पेयर टू यूजी इसलिए रहा हर बार क्योंकि मैंने जो सेम प्रिंसिपल्स मैंने अपने यूजी में सीखे थे, मैंने कहा मैंने एक एग्जाम ऐसे निकाला हुआ है, लेट मी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स फॉर माई पीजी प्रिपरेशन और माई डीएम प्रिपरेशन, देखते हैं क्या होता है. एंड दे वर्क, एंड द प्रिंसिपल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टे द सेम. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिवाइज. ओके, तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन कंक्लूड करूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत सी लर्निंग इस चीज़ से सीखने को मिले कि चाहे रीजनल बैरियर हो, स्टेट बैरियर हो, लैंग्वेज बैरियर हो, सब टूट जाते हैं, सारी बेड़ियाँ टूट जाती है व्हेन यू आर अंडर वन रूफ. आप सिर्फ डॉक्टर्स बनने आते हैं, तो आप लोग जितना ये सोच के चलते हैं अपनी लाइफ में कि जो कमियां जो आप सोच रहे कि शायद हिंदी मीडियम में है शायद इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वी हैव एग्जाम्पल्स जो एम्स दिल्ली में है हिंदी मीडियम के होने के बाद भी, तो पहला बैरियर वो टूटता है. दूसरा, अगर हम ये सोचें कि हम अपनी स्टेट से निकल के वहाँ नहीं जाएंगे, हमें यहाँ कंफर्टेबल है, तो छोड़ दो ये सब, क्योंकि हर तरीके के यू नो चीज़ें सेटअप की गई है आपके लिए, चाहे वो इंग्लिश क्लासेस से हो या क्रेस्ट हो. आपको एक ऐसे एनवायरमेंट, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक यूनिफॉर्म डॉक्टर्स, ये ऐसे डॉक्टर्स बना रहे हैं जिनके बीच में कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि आप जिन लोग को ट्रीट करोगे आप ना उनका कुछ धर्म पूछोगे, कुछ नहीं पूछोगे, यू आर दे आर जस्ट पेशेंट एंड यू आर जस्ट डॉक्टर्स. तो यही चीज आई थिंक आपको सिखाई जाती है आपके फर्स्ट ईयर में. एंड लुकिंग एट द स्किल्स ऑफ मेकिंग नोट्स, आपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि लास्ट के 15 डेज में आप कैसे पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं 365. वो चीज आपको सोच के चलना, आपने ये नहीं सोच के चलना कि मेरे को 20 नोटबुक बनानी है क्योंकि मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ.
हमको ये सोच के चलना है कि मुझे 20 नोटबुक से एक नोटबुक कैसे बनानी है जिससे कि मैं पूरा रिवाइज कर सकूं। एंड जो सर डॉक्टर आदित्य ने हमें बात बताई कि बिना प्रैक्टिस के देयर इज नो पॉइंट लर्निंग एनीथिंग, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना देयर इज नो पॉइंट यू नो डूइंग प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम। तो ये चीज हमें इस वाले राउंड से पता लगती है। So moving on to the next segment, that is a very very candid session, ठीक है, segment है हमारा जिसके अंदर हम कुछ ऐसे questions पूछेंगे, what is life, you know, हम बहुत देखते हैं कि आजकल neat story चल रही है, my neat story, है ना, तो आज मैं इन लोगों से पूछूंगी what is you know after neat story, तो ये तीनों मेरे पास है, तो अभी सबसे पहले मैं इशिता से शुरू करते हैं, सबसे पहले आप सब मुझसे, है ना, इशिता कैसे शुरू करते हैं, गलत जगह पे बैठ गई हूँ। So what is after neat story? What is the one thing that you think it's a struggle for me? Struggle for me as in now? Yes. सो मैं तो वैसे अभी मेरे पेरेंट्स जो है वो गुड़गांव में ही रहते हैं, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम दिल्ली, बट फिर भी इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले मैं कभी हॉस्टल्स में नहीं रही और कहीं बाहर नहीं रही, तो मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि मेस में खाना ऐसा नहीं मिलता या फिर बहुत मतलब, लेकिन वो जो एक होमली वाइब होती है ना, आई थिंक वो मेरे लिए स्ट्रगल रही है इनिशियली, बट अभी ग्रेजुअली जब आप हॉस्टल्स में रहने लगते हो तो थोड़ा सा लगता है कि पहली बार घर से बाहर आए, बट फिर आप इतना एंजॉय करने लग जाते हो हॉस्टल में कि फिर घर मम्मी फोन करती रहती है कि अब कब आएगी घर, अब कब आएगी घर, तो फिर वो उल्टा हो जाता है। बट आई थिंक इनिशियल स्ट्रगल सबके साथ रही है इन टर्म्स ऑफ वो होमली वाइब वाली, प्लस दोस्त बनाने में और ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, फिर आप अब अपनी डिसीजंस खुद लेते हो, अब आपके पेरेंट्स आपके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करेंगे, आप जो कर रहे हो वो आप खुद फेस करोगे, प्लस जो रिलेशनशिप्स में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या दोस्ती में, वो नेक्स्ट सेगमेंट में पूछेंगे, जो दोस्ती और ये सब चीज़ें आप लोगों को जानते हो, तो आई थिंक वो आप खुद सीखते हो और आप अपनी पर्सनैलिटी आपकी ग्रेजुअली खुद आप एक्सप्लोर करते हो खुद को और डेवलप करते हो। आई थिंक ये एक फेज ऐसा है जब आप वो मम्मी और पापा वाली फेज से थोड़ा आपसे भी एक क्वेश्चन है, I'm struggling, ठीक है, for first 2 years, but now I have changed the word to experience, ठीक है, खराब experience हो रहा है, कोई बात नहीं, सीख ही रहे हैं ना, and अभी मुझे problem भी होता है ना कहीं पे, मेरे को लगा ठीक है यार, इसके बाद मजा ही आएगा, देखते हैं क्या होता है आगे, so even if I have bad days, I really enjoy it, कि ठीक है यार, देखो कितना खराब हो सकता है, देखते हैं कितना खराब हो सकता है, तो ठीक है, first 2 years was really tough for me, because मतलब बिहार में रहना, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत पीसफुल है, बट एम्स में थोड़ा डिफरेंट है, बट वही है ना कि आप अगर बहुत हाई लेवल पे चले गए हो तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे आपके जैसे, यू हैव टू फाइंड यू नो पीपल, मतलब जिसके साथ आप भी थोड़ा एडजस्ट करो, वो भी थोड़ा एडजस्ट करें, एंड राइट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, and not just human friends, I have cats also, the whole hostel's cats are my friend, they come to my door, I feed them, and that is the thing, like I have learned so much to live, ठीक है, मतलब सीखा है कि हाँ कैसे जी सकते हैं किसी भी कंडीशन में, so that is my whole experience about 5 years right now. अच्छा डॉक्टर आदित्य का तो आई थिंक मैक्सिमम एक्सपीरियंस, आई फील वेरी ओल्ड अचानक से, इतना बड़ा होने में, आई एम लाइक जस्ट 27 इयर्स ओल्ड राइट नाउ, एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस में तो सर है ना ऑब्वियसली, बट वी डोंट कॉल हिम सर, हां शी कॉल्स मी जस्ट आदित्य प्लेन एंड सिंपल, या तो आपका क्या है, कैसा रहा, मींस स्ट्रगल कुछ ऐसा मेरे हिसाब से, लाइक आई हैव लाइक मैंने तो एंजॉय किया अपने एमबीबीएस को, बट हैविंग सेड दैट मैं रश्मि से इस बारे में बहुत अग्री करता हूँ कि फर्स्ट 2 years आई थिंक एनीवेयर यू नो हमारी जो नीट यूजी में प्रिपरेशन होती है वो वर्सेस जो फर्स्ट 2 years ऑफ एमबीबीएस होते हैं ना बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होता है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से एमबीबीएस कर रहे हो ना, वो एक कल्चरल शॉक और वो एक अचानक से शॉक हर समय लगेगा, अचानक से अनाटमी जब पहली बार पढ़ते हो ना तब सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ आईक्यू, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, सबकी थोड़ी सी फटेगी, अपन जब नीट यूजी क्रैक करते हैं एवरी वन थिंग्स दैट लाइक दे आर द यू नो द किंग्स, यू नो हम लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है भाई, है ना,
तो हमने एक बहुत टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाला है, एंड सडनली यू कम एंड यू रियलाइज कि ये बुक में पहली लाइन मेरे को कुछ याद नहीं हो रही, चाहे मैंने उसको 20 बार क्यों नहीं पढ़ लिया है। तो वो चीज सबके साथ होती है, इररिस्पेक्टिव कि वो एम्स दिल्ली में हो या कहीं और हो या किसी भी, फॉरगेट एम्स दिल्ली, वो चाहे यूएस के किसी कॉलेज में हो, हार्वर्ड में भी क्यों ना, ऑक्सफोर्ड में क्यों ना हो, द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल इज टफ एंड द फर्स्ट सेकंड वन एंड हाफ ईयर इज टफ फॉर एवरीवन। But what happens because of that toughness is like, you know, obviously everyone slowly and steadily gets through with it. वो एक experience आपके साथ carry करते हैं and then you start to enjoy your MBBS. तो मेरे साथ तो यही था कि मेरे first 2 years मेरे भी रश्मि की तरह not something I really enjoyed to be very honest. ठीक है, but yeah, from the third and fourth year I started to again, I also started to feel comfortable in my own skin. And then you when you start feeling comfortable in your own skin, then you start to enjoy. And having the other thing that I want to say is कि एक तो MBBS हो गया. A lot of people don't realize that PG life by itself and the DM life comparative to a certain extent, थोड़ी MBBS के comparison थोड़ी नहीं, वैसे actually में बहुत ज़्यादा tough होती है, especially because of the immense patient load that we have in our country and because of the immense duty hours that we have. So duties बहुत hectic होती हैं and आपको literally बैठने तक का time या खाने का time भी नहीं मिलता कभी ना कभी, especially जब आप first year resident होते हो. दिस इज़ अ रियलिटी जो थोड़े लोग भूल जाते हैं, लाइक यू नो लॉट ऑफ नीट यूजी हास्टेंट्स हैव दिस थिंग कि नीट एक बार क्रैक कर लिया तो फिर ऐश ही ऐश है, तो वो चीज़ नहीं है. आई वॉन्ट डिनाई कि ऐसा नहीं है, मतलब सी लाइफ अच्छी होती है, बट लाइफ अच्छी होती है बिकॉज आपको जीना आ जाता है, आपको समझना आ जाता है, बट ये सोचना ना कि अब इसके बाद बस मैं घर पे बैठूंगा, खाना खाऊंगा और अपने आप कुछ कुछ होता रहेगा, ऐसा नहीं है. वो लाइफ में हर समय काम तो हर समय आपको करते रहना है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन पैशन. जैसे यू नो मुझको अच्छा लगा ऑन्कोलॉजी, आई लव ऑन्कोलॉजी, मेरे को ये एज अ एकेडमिक्स एंड पेशेंट वाइज मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे को अपना वर्क अब इतना हेक्टिक नहीं लगता. ऑब्वियसली अभी भी द रीजन आई एम इन माय स्क्रब्स इज बिकॉज मैं कल रात को मेरी नाइट ड्यूटी थी, 10:30 बजे मैं फ्री हूँ एंड डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मेरे पास नहीं था टाइम चेंज करने का. बट अब बट यू विल स्टिल फील कि ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं कोई सो रहा हूँ या टायर्ड हूँ एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट इज आई एम पैशनेट अबाउट दिस, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट माय वर्क एज वेल, आई एम पैशनेट अबाउट दिस ऑल्सो, मेरे को ये भी अच्छा लगता है. तो जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हो तो आपको बुरा नहीं लगता. अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए पैशनेट हो कि मेरे को नीट यूजी क्रैक करना है ना, तो उसके बाद के लिए ऑब्वियसली टफ हो जाएगी. बट अगर आप पैशनेट हो डॉक्टर बनने के बारे में, अगर आप पैशनेट हो कि मेरे को कुछ डॉक्टर्स बनने के रीजन अलग हो सकते हैं, अकेडमिक्स हो सकता है, पेशेंट केयर हो सकता है, स्टेबिलिटी इन लाइफ हो सकती है, बट जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो वो करके आप इसको एक स्टेपिंग स्टोन मानोगे कि हमने क्रैक किया है, तो लाइफ कंपैरेटिवली बेटर रहेगी. अगर आप सिर्फ नीट यूजी को क्रैक करना अपना पैशन मानोगे तो बाद में आपको ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में हर बार सबको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है पॉइंट के बाद. अच्छा डॉक्टर आदित्य, एक चीज हमने जस्ट सुनी कि आप आप 17 साल के यू आर 17-year-old boy at that point of time who for past 2-2.5 years has sort of neglected its social life in order to go towards your goal called you know getting through your NEET exam and getting through becoming a doctor. तो मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी दोस्त थे वो सारों के सिंस आई टुक माई कोचिंग फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, ऑल ऑफ देम गॉट थ्रू मामसी एंड एज आई कुड हैव इट, मेरा एम्स दिल्ली निकल गया ना, ऑब्वियसली ठीक है, यूजुअली उस समय पढ़ाई ऐसे ही कर रहे होते हैं कि चलो मेहनत एम्स दिल्ली की करते हैं बट कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, दिल्ली मिल जाए बस काफ़ी है, यू नो, एंड ऑब्वियसली यू हैव योर दिल्ली स्टेट का कोटा आपके पास होता है तो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है रादर देन गेटिंग इट थ्रू ऑल इंडिया ऑल्सो. तो मेहनत उस हिसाब से की थी कि हाँ एम्स की मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे, बट मिल कुछ भी जाए ऑब्वियसली आप इतने ग्रीडी नहीं हो रहे होते इन द फर्स्ट इन द प्रिपरेशन, एटलीस्ट आई वॉज नॉट. तो अब एम्स ही निकल गया, ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कह सकता अपने पेरेंट्स को कि नहीं मैं मैम से जाऊँगा क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, ठीक है, क्योंकि बट हाँ बट वॉट लाइक वी डिस्कस, पहला साल थोड़ा शॉक होता है एंड क्योंकि बिकॉज एम्स हैज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो इनिशियली ना वो मेरे को बहुत मिस करता था मैं अपने फ्रेंड्स को कि मेरे तो सारे दोस्त एक्चुअली मामसी में हैं एंड आई फेल्ट कि देर हैविंग अ गाला टाइम बिकॉज अभी सब साथ में एग्जैक्टली. सो आई एक्चुअली अदर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को एक्चुअली में पहले 2-3 महीने लगा मैं कहाँ गया हूँ, यू मैं क्यों, हाँ मैं मतलब बिग बीक बिछड़ गया अपने दोस्तों से एंड मेरे को लाइक आई सेड मैं इनिशियली अपने 2-2.5 साल एम्स में अपनी स्किन में इतना कंफर्टेबल नहीं था, इट वॉज टू अ सर्टन एक्सटेंट ऑफ लक. अब यू नो अब लुकिंग बैक अब लगेगा कि क्या छोटी सी चीज़ के ऊपर मैं परेशान हो रहा होता था, उस समय बड़ी लगती है, आप होते भी 17 साल के हो यार, सिर्फ 17-18 साल के हो, उस समय तो बहुत मिस करता था मैं अपने मामसी के दोस्तों को, बट ठीक है थोड़े टाइम बाद देन यू गॉट कम्फर्टेबल इन स्किन तो आपको वहाँ पर भी दोस्त मिलने लग गए,
रश्मि गॉट ऑल हर कैट्स, ठीक है. आई मेड अ अमेजिंग फ्रेंड कॉल्ड ऋषभ, अभी भी मैं उसके साथ वीडियोस बनाता हूँ. ही ऑल्सो एन्जॉयज, यू नो, वी ऑल एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. सो दैट्स व्हाट हैपेंस, लाइक यू नो. बट वो आने में थोड़ा टाइम लगा, 2-3 साल लगे. उसके बाद आई स्टार्टेड टू एन्जॉय माय मेन सिटी को बहुत अच्छे से एन्जॉय किया अपने यूजी एक्सपीरियंस को. बट हाँ, इनिशियली मेरे को आई यूज टू, आप 17 साल के होते हैं, अब खलता है आपको अपने दोस्त ना होना थोड़ा बहुत उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड आई थिंक वो तो आप किसी भी और फील्ड में, किसी भी और कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा होगा. गई थी, मेरे को तो बहुत कल्चरल चेंज भी था, काफी चीजें थी, बट ठीक है, शुरू के 6 महीने फाइट थी, बट उसके बाद इट वाज लाइक ऑल कंफर्टेबल. सो इट्स लाइक सबके साथ ही होता है. अच्छा रश्मि, एक क्वेश्चन आपके लिए था, आपका एक वीडियो था पल्स का, बच्चे पूछे पल्स क्या, टॉफी क्या है, क्या है ये पल्स, हमें थोड़ा बताओ इनसाइड की क्या होता है पल्स में, बच्चों का थोड़ा एक्साइटमेंट आया. इसमें भी आदित्य को ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर हमें तो चलने जाना चाहिए. पल्स का बेसिकली ये है कि एक मेडिकल कॉलेज का फेस्ट है जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट माना जाता है. स्पॉन्सर कहाँ से आते हैं? बहुत स्पॉन्सर आते हैं खुद, मतलब मुझे तो लगता है स्पॉन्सर्स ऐसे खुद आते हैं कि भाई मेरे को भी करने दो, बिकॉज़ लगता है इस लेवल का फेस्ट होता है. दियो के फेस्ट के लिए हम जाते थे दुकान पे, अरे आप केटरिंग करोगे क्या? आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन द पल्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. सी आई टोल्ड यू ही एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमें जाना पड़ता है स्पॉन्सर्स के बाहर, खुद आते हैं. उसके सारे स्पॉन्सर्स भी एम्स लेके चला जाता है. चलो ठीक है, कुछ कॉलेज में हो रहा है, थोड़ा दिखाते हैं क्या हो रहा है. मुझे उसमें पता भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ. बस मैं रैंडमली लोगों के पास जा रही हूँ, हाँ भाई तुम कहाँ से हो, ये वो ऐसे वैसे. तो उस समय फिर मेरे को दिखा कि यार लोग ऑल ओवर इंडिया कितना ज्यादा एक्साइटेड है, और एक्साइटमेंट तो छोड़ो, मोटिवेट हो रहे एम्स आने के लिए, ठीक है. मतलब फेस्ट देख के, बस उस फेस्ट को अटेंड करने के लिए वहां जाके डंडा सब डांस. बट ये चीज तो अच्छी चीज है एक्चुअली. अगर मेरे को अपने 11th एंड 12th में नहीं पता था पल्स के बारे में, बट अगर मेरे को पता होता तो शायद मैं भी मोटिवेट होता कि एम्स जाना है. आई वोंट डिनाई दैट, क्योंकि पल्स इज एक्चुअली दैट गुड, अमेजिंग. आई थिंक मैंने सुना वहां पे तो कुछ क्रिकेट का भी कुछ बहुत नहीं नहीं इट्स प्रीटी मच एवरीथिंग. सो बेसिकली पल्स हैज pretty much everything what you can imagine. So there will be 7 days, 7 days ko har, almost every alternate day or every day ek star night hogi. So like this time we had this time we had star night, alternate day ho gaya. So this time mujhe batao hum allowed hai ya nahi, aap hamare paas aa rahe ho next time mein aa rahi ho, main aa rahi ho. This time we had Arman and Amal Malik, Yo-Yo Honey Singh and Sanam coming to Ames. Maine jab apni pulse organize karayi thi, we had Farhan Akhtar coming to Ames, we had Neha Kakkad coming to Ames, and most of the times aise, you know, big singers and wo Arjit Singh aaya hua hai, and Arjit Singh 2013 mein aaya tha, mere second year mein aaya tha, and Sonu Nigam aaya hua hai, like basically like, you know, so there will be, so 7 days the major attraction, gala night chal rahi hai, exactly, 6-7. So I have a picture with Euphoria aaya tha hamare ek baar, so I have a picture with Dr. by the way, if people don't know, Palashan is also a doctor, UCMS से उनकी अंडर ग्रेजुएशन है. सो डॉक्टर पलाश के साथ मेरी एक फोटो है, मेरी एक फोटो, मतलब आई फील लाइक यू नो पर्क्स ऑफ बीइंग इन एम्स यूजी, मेरे को यही लगता है कि मेरी एक सलीम सुलेमान आए थे उनके साथ एक फोटो है. तो मोहित चौहान के साथ, मोहित चौहान आया था, ले नहीं सकते बट ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उस समय हो जाता है. बट दिस इज अलग चीज हो गई, बट हाँ यू हैव योर स्टार नाइट्स, तो ये एक अलग वो हो गया, एक स्टार नाइट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक फूड का एक तरीके से पूरे स्टॉल्स लगे होते हैं, देयर इज अ प्रॉपर सोशियो कल्चर प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विल कम, मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विल कम फॉर देयर यू नो डांस ड्रामा म्यूजिक कॉम्पिटिशन. उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इन्वाइटेड होते हैं, तो वो एक अलग एलिमेंट लाता है. लिटरली बहुत सारे, हर रोज एक नया क्विज होगा,
हर रोज एक नया यू नो डिबेट या डिक्लेमेशन या ये सब कुछ हर कैटेगरी में होता है. वो 7 डेज आर फुल ऑफ फन एंड फ्रॉलिक एंड एग्जैक्टली. अच्छा रश्मि निशिता, जब आप घर पे अपने ऐसे फोटोज डालते हो ना, आई एम डांसिंग, क्या रिएक्शन आता है घर वालों का? ऐसे कुछ नहीं है स्टोरी. मैं तो नहीं डांस करती, मैं गाना गाती हूं. अच्छा शी डांस. मेरे घर वाले तो काफी चिल है और वो मतलब वो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ठीक है एंजॉय भी करो पढ़ाई भी करो, क्योंकि उन्होंने वो फेज देखा है जब इतना ज्यादा होता था कि मम्मी पापा बोलते रह जाते थे कि चल बाहर आज, यहाँ चलते वहाँ चलते, और वो बोलती थी मेरे से पूछा मत करो. तो वो तो बहुत ही ज्यादा चिल है और काफी खुश होते हैं कि अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रही है. और आपके यहाँ पे व्हाट इज देयर रिएक्शन? एक्चुअली मेरी मम्मी ही मुझे बोली थी यूट्यूब खोल. भाई गौरव तलेजा का चैनल खोल के तू देख, तू कर सकती है. और इनकी मम्मी ने मेरे को भी एडवाइस, इन्होंने मेरे को बताया था, मेरी मम्मी कहती है तू भी कर ले. क्या बात है. शी इज लाइक मदर, हाउ ही टॉक्स, यू कैन टॉक लाइक दिस. स्टार्ट करना तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मतलब नीट वाला पहले वही शेयर कर देते हैं, तो वहीं से मतलब ऐसे शुरू हो गया. फिर गाना वाना बेसिकली मेरा था कि गाना थोड़ा यू नो करना है, बट ठीक है अलग ही डायरेक्ट. तो ये वाला हमारा सेगमेंट था कि यू नो व्हाट्स द स्टोरी आफ्टर नीट, जो भी था. मेरे को ये दिख रहा है स्ट्रगल तो हर फेज में है, बट माइंड चेंज हो जाता है कि आप में एक क्षमता आ जाती है कि ओके हम यहाँ इस धरती पे पहुँच चुके हैं, और वो धरती शायद आपको बहुत ज़्यादा एक हिम्मत देती है कि अब बस शुरू हो चुकी है मेरी जर्नी, या तो इसको जी लो या फिर इसको यू नो मर मर के अपने रोते रोते ऐसे कर लो. बट आई थिंक इन तीनों ने ऑप्टिमिज्म चूज किया, इन्होंने फाइट बैक किया, और लुक एट द हैप्पी फेसेस वी हैव, सो मेनी हैप्पी फेसेस नाउ, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ. ऐसे देयर मस्ट बी मोर स्टोरीज, हमने तो बहुत छोटे में पूछा, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया भी है, बट आई मस्ट से कि बहुत सारी और भी स्टोरीज होगी जो अभी हिडन स्टोरीज है, वो आने वाले और एपिसोड्स में हमें पता चलती जाएंगी. यस बट बहुत अमेजिंग था ये वाला. अब एक लास्ट हमारा सेगमेंट है, ठीक है, नीट आप लोगों ने क्लियर कर ही लिया है, बहुत आगे आप बढ़ चुके हैं. Now what happens when again there is a neat question in front of you? अब जा रहे हैं हम. तो हमारा एक बहुत अमेजिंग गेमिफाइड क्विज है बच्चों के लिए. मैं आपको बता देती हूँ द क्विज इज की आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हैं, वहाँ पे एक कॉम्पीट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख क्वेश्चन का एक बैंक हमने बना के रखा हुआ है. तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास रैंडमली आ सकता है, इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी बायोलॉजी क्वेश्चन. तो हम आप दोनों से आपसे 5 क्वेश्चन कराएंगे, 10 साल हम आपसे कराएंगे. इवन इफ यू गिव द करेक्ट आंसर, आप मान लीजिए आप दोनों ने करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है, पर किसने कम टाइम में दिया है, दैट विल बी अ विनर. हमारे बीच कॉम्पिटिशन करा लो आप. क्या कर रहे हो? देयर इज स्टिल अ बेस्ट पार्ट, अ सरप्राइज, कि एक अमेजिंग अनअकैडमी का हैम्पर है जो आपके घर तक पहुंच जाएगा अगर आप इस क्विज में धमाका मचा देते हैं. सो विल स्टार्ट विद दैट क्विज नाउ. ओके सो गाइस, आज मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो आप पीछे छोड़ चुके हैं, यानी नीट के सवाल, ठीक है. एक बहुत अमेजिंग हमारी गेमिफाइड क्विज है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्पीट. तो आपको आपके फोन पे 10 क्वेश्चंस आएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है. अब इस वाले क्विज में आपकी सिर्फ एक्यूरेसी पे आपको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी स्पीड पे भी जज किया जाएगा. अगर आप 10 क्वेश्चंस तीनों सही आंसर दे रहे हैं, बट जिसने सबसे कम टाइम में दिया होगा, दैट विल गेट अन अकेडमी हैम्पर, ठीक है. तो वो आपके घर तक पहुंच जाएगा अन अकेडमी का हैम्पर. तो अब हम शुरू करते हैं अपना इस अमेजिंग क्विज को, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द कौन विनर बनने वाला है. सो लेट स्टार्ट द क्विज, 1 2 3 लेट्स कॉम्पीट.
the solubility product of this is this at this, the solubility of AgCl. नहीं AgCl का? नहीं नहीं वो इसमें डालना है ना 0.04 molar. So guys, finally the moment has arrived जिसका आपको था इंतजार. Dr. Aditya is the winner of the hamper. और इन तीनों में से आपको ऐसी कौन सी बात उन लोगों ने कही जो आपके दिल को छू गई? तो ऐसे ही अमेजिंग सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे. जाने से पहले इस वीडियो में आपको कौन सी ऐसी बात थी जो आपके दिल को छू गई उसे जरूर लिखना, क्योंकि आपका थोड़ा भी प्यार हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है और ज्यादा हम एफर्ट्स आपके लिए कर पाते हैं. सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस with more such amazing motivational session where you get to know the life before NEET, after NEET, and what is your life after 10 years. So, bachcho, this is your favorite D-Square signing off from this amazing session, but we'll be back soon with the new episodes. And do let me know, aapko is show pe aur kaun kaun se amazing, aapke favorite YouTubers, educators, influencers chahiye, aapke aise log jo aapke NEET saarthi hain. So, do let us know in the comment section. Thank you so much.